फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं प्रेक्टिन सिरप्स। प्रेक्टिन सिरप्स का क्या यूज है, कब इसको लेना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए और ये भूख बढ़ाने में ये क्यों इतना कारगर है, तो प्रेक्टिन सिरप्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। और हमारे चैनल पे पहली बार विजिट की है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो शुरू करते हैं प्रेक्टिन सिरप, जो कि हमारे पास बोतल है 200 ml का बोतल है, जिसकी MRP की बात करो तो इसकी MRP 132 rupees के करीब इसकी MRP है। प्रेक्टिन सिरप्स को वॉकर्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। प्रेक्टिन सिरप्स के अंदर एक सिंगल मॉलिक्यूल डाला गया है जिसका नाम है साइप्रोहेप्टाडीन हाइड्रोक्लोराइड 2 mg। प्रेक्टिन सिरप्स का इस्तेमाल एलर्जी की स्थिति और भूख बढ़ाने वाले के रूप में किया जाता है। प्रेक्टिन सिरप्स में उन पदार्थों को जारी होने से रोकता है जो सूजन जैसे लक्षण, बंद नाक, बहती नाक, छींकना, आंखों में खुजली, आंखों में पानी का कारण बनता है। इसका इस्तेमाल कई अलग अलग तरह की सूजन एलर्जी की समस्याओं के इलाज में किया जाता है। क्योंकि यह दवा आपके प्रतिरक्षा तंत्र को कमज़ोर करती है, इसलिए आपको बीमार व्यक्तियों और संक्रमण से ग्रसित व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। भूख बढ़ाने वाला प्रेक्टिन सिरप। प्रेक्टिन सिरप ऊर्जा आवश्यकता को लगातार बढ़ाकर भूख को बढ़ाता है। यह भूख को बढ़ावा देता है, इसलिए यह अंडर न्यूट्रिशंस या माले न्यूट्रिशंस को नियंत्रित करने का एक सुरक्षित और प्रभावी तरीका है। यह भूख की कमी का इलाज करने में मदद करता है और पोषण संबंधी स्थिति में सुधार करता है। प्रेक्टिन सिरप्स किस प्रकार काम करता है? प्रेक्टिन सिरप्स एक एंटी हिस्टामिन दवा है। यह सूजन, कंजेशंस, खुजली और अन्य एलर्जिक रिएक्शंस के लिए जिम्मेदार कुछ केमिकल्स मैसेजेस की कार्रवाई को ब्लॉक करता है। ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थों का लगातार सेवन और विकास हार्मोन के स्राव की सक्रियता के कारण यह भूख को भी बढ़ाता है। प्रेक्टिन सिरप्स को आप दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं, सुबह में 5 ml और रात को 5 ml। खाना खाने के बाद ही देश को प्रेक्टिन सिरप्स, बच्चों को सिरप इसका दिया जाता है और बड़ों को प्रेक्टिन 4 mg टेबलेट्स आता है वो दिया जाता है। प्रेक्टिन सिरप्स 5 साल से 17 साल से 20 में दिया जाता है। प्रेक्टिन सिरप्स पिलाने से पहले डॉक्टर से सलाह ले लें। अगर आप प्रेक्टिन सिरप्स का इस्तेमाल कंटिन्यू कर रहे हैं, 1 साल 2 साल कंटिन्यू कर रहे हैं और आप मोटे हो रहे हैं तो आप बाद में वापस पतले भी हो जाए, तो ये डॉक्टर की सलाह से ले। अगर आप कंटिन्यू ले रहे हो तो इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे कि चक्कर आना, सिर दर्द होना, डिहाइड्रेशन होना, जुलाब होना, मिचली आना, पेट में दर्द होना इत्यादि। प्रेक्टिन सिरप्स आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, कोई भी मेडिकल स्टोर्स में मिल जाएगा, ये आपको ऑफलाइन ऑनलाइन भी मिल जाएगा। प्रेक्टिन सिरप्स के बारे में कुछ भी डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दिया है वहाँ पर बताएं। प्रेक्टिन सिरप्स का वीडियो आपको यूजफुल लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़।